और अगर मैं ना होता तो चीन हांगकांग को मिनट्स में खत्म कर देता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहते हैं चीन के लाखों फौजी हांगकांग के बाहर खड़े हैं। पहला होता तो चीन हांगकांग को 14 मिनट में खत्म कर देता, ऐसा दावा है अमरीकी सदर ट्रंप का। अमरीकी टीवी के साथ एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को जमहूरियत पसंद मुजाहिरीन के खिलाफ हांगकांग भेजने से इसलिए गुरेज किया कि मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका था। तहम चीन के लाखों फौजी हांगकांग के बाहर खड़े हैं। Well, I'll tell you, look, we have to stand with Hong Kong, but I'm also standing with President Xi. He's a friend of mine. He's an incredible guy. We have to stand, but I'd like to see them work it out, okay? We have to see them work it out. But I stand with Hong Kong. I stand with freedom. I stand with all of the things that we want to do. But we also are in the process of making the largest trade deal in history. And if we could do that, that would be great. अमरीकी सदर का कहना था कि मैंने चीनी हमनसब से कहा था कि मेहरबानी करके ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। जबकि इस इकदाम के चीन और अमरीका के दरमियान तजारती डील पर बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब होंगे। अपने इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि बीजिंग और वाशिंगटन तजारती मुआहदे के बहुत करीब हैं और शी जिनपिंग मुझसे ज्यादा चाहते हैं कि डील हो जाए, लेकिन मुझे मुआहदे पर दस्तखत करने की जल्दी नहीं। सदर ट्रंप के इंटरव्यू को गुज़िश्ता दिनों चीनी सदर के एक बयान का रद्दअमल करार दिया जा रहा है, जिसमें शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन अमरीका के साथ तजारती मुआहदा करना चाहता है, लेकिन अपने अंदरूनी मसले पर किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो चीन अमरीका का मुकाबला करने से भी खौफ सदा नहीं होगा।